यहाँ पे यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी हो गया है और वे सभी स्टूडेंट्स जिनको अपने रिजल्ट को देख करके लग रहा है कि हाँ मैंने अच्छा कोशिश किया था, मैंने अच्छे से लिखा था और मुझे नंबर कम मिला है, ठीक है। तो अगर आप अपने रिजल्ट के थ्रू कॉन्फिडेंट हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट में जो नंबर है वो बढ़ सकता है, और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए आपको स्क्रूटनी अगर आप कराना चाहते हैं तो उसका जो फॉर्म है वो आ चुका है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताई हुई थी तो उसको आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। और यहाँ पे देख लीजिए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। परीक्षा वर्ष 2023, ये जो डिटेल है इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डिटेल है, पूरी जानकारी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब डिटेल्स बताऊंगा आपको, जिससे आपसे एक भी जानकारी मिस ना हो पाए। रिजल्ट आपको डाउनलोड करना है तो ये लिंक है, ये जो लिंक है ये है upmsp.edu.in, इसको मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यह ऑफिशियल लिंक है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज का, इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। किस पे क्लिक करोगे? हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के स्क्रूटनी के लिए। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखो न्यू देखने को मिलेगा, आप मोबाइल से करो लैपटॉप से करो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे दिख रहा है लिंक खोलें, इस पे आपको क्लिक करना रहेगा, ठीक है। लिंक खोलें जो है इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। उससे नीचे थोड़ा सा आपको ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किस जनपद के लिए जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो किस जगह पर है। अगर आपका जनपद मेरठ है तो आपका क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ यहाँ पर है, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। बट यहाँ पे इसको आप देख लेना एक बार, ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है ये सब देख लो आप, गोरखपुर का अगर आपका जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। मतलब अगर आप इन जिलों में निवास करते हैं, आगरा फिरोजाबाद इन सब जिलों में निवास करते हैं, तो आपका जो क्षेत्रीय कार्यालय है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज का वो मेरठ में है और आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका जो जिला है वो आप देख लो, उसके सामने आपको आपका क्षेत्रीय कार्यालय मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पे स्थित है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिंक खोलो पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे लिंक खोलो पे क्लिक करोगे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन और लास्ट डेट जो है 19/5/2023 है। अगर इसके बाद अगर आप फॉर्म फिल करोगे या फिर भेजोगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन करने के उपरांत भरे गए आवेदन को डाउनलोड करें, मुद्रित करें, उसे जमा किए गए ट्रेजरी चालान की मूल प्रति के साथ क्षेत्रीय कार्यालय में निर्धारित पते पर रजिस्टर डाक से निर्धारित तिथि से पूर्व अवश्य प्रेषित करें। निर्धारित तिथि तक आवेदन के साथ जमा शुल्क ट्रेजरी चालान की मूल प्रति प्राप्त न होने पर स्क्रूटनी की कार्यवाही नहीं की जाएगी। अतः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप करना चाहते हो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई तो यह प्रोसेस जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करना। 19 तक लास्ट डेट है, इसके बाद अगर आप भेजोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रूटनी के लिए नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और एक जो है ट्रेजरी चालान का फॉर्म दिया गया है, वो मैं आपको दोनों चीज़ें भेज दूंगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, देखो अगर आप हाई स्कूल के छात्र हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है हाई स्कूल के लिए ऑनलाइन आवेदन, या फिर आप इंटरमीडिएट के छात्र हो तो इंटरमीडिएट के लिए ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। आप हमारे टीम के थ्रू जो जो जानकारी चाहते हैं वो आपको दी जाएगी, आप हमारे टीम के थ्रू जुड़े रहिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कॉन्टेक्ट करिए हमसे, वहाँ पे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे आपकी जो भी डाउट है एंड जो भी आपके प्रोसेस में अगर कहीं भी इशू आ रहा है, तो वायरलेस क्लासेस चैनल आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए जो है सक्षम है। तो आप अगर हाई स्कूल के छात्र हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्या करने के लिए, स्क्रूटनी का फॉर्म भरने के लिए। अब आपको देखो यहाँ पे खुल गया हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2023 के लिए स्क्रूटनी हेतु आवेदन, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है फिल करना है, ठीक है। और अगर आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ क्योंकि ये वेबसाइट वन टाइम ही है तो बार बार इसको करने के लिए मुझे फिर से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो यही प्रोसेस फिर से आपको करना रहेगा, बस आपको यहाँ पे जैसे हाई स्कूल आप गए थे वैसे ही आपको इंटरमीडिएट के लिए ऑनलाइन आवेदन इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेम वही प्रोसेस करना है, अपना रोल नंबर डालना है और सेंटर का कोड डालना है, यहाँ पर 5 डिजिट सेंटर कोड। अब ये आपको कहाँ पर मिलेगा,
ये आपको मिलेगा आपके एडमिट कार्ड के अंदर, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हाई स्कूल के लिए जो मैंने आपको बताया वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, और इंटरमीडिएट के लिए जो मैंने आपको बताया है वहाँ पे आपको सेंटर का कोड लिखना है। ठीक है, आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको हाई स्कूल के जो छात्र हैं उनको स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आपको केवल वहाँ पे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके गेट डाटा करना रहेगा, और आगे का आपका जो प्रोसेस है वो करना रहेगा, सब्जेक्ट चूज करना रहेगा। और अगर इंटरमीडिएट के छात्र हैं आप तो आपको अपना रोल नंबर और 5 डिजिट का सेंटर कोड डालना रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? जो भी डाउट रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, एक एक जो है आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। अब देखो स्क्रूटनी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको हम देख लेते हैं वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे कार्यालय के थ्रू नोटिफिकेशन है कि सभी को सूचित किया जाता है कि जो भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा संबंधित उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनके लिए स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 19 मई है और 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से। ठीक है, एक डाउट आपका यहाँ पे ये सॉल्व किया जा रहा है कि जिनको डाउट था कि कितने रुपये लगेंगे, तो आपका जितना भी प्रश्न पत्र है उसका 500 रुपये लगेगा। मतलब एक अगर आप एक पेपर के लिए स्क्रूटनी डालोगे तो उसका 500, और अगर एक पेपर के लिए मतलब दो पेपर के लिए डालोगे तो उसका 500, मतलब अगर दो पेपर के लिए आप स्क्रूटनी कराओगे तो आपका 1000, और अगर आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए करोगे तो उसका अलग से लिया जाएगा। ठीक है, और ठीक है, एंड उसके बाद आपको जो प्राइस रहेगा ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस वाले प्रोसेस में सब कुछ आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा जब आप यहाँ पे गेट डाटा करोगे। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि किसी की डिटेल्स को मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ, अदरवाइज मैं आपको वो भी बता देता। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो आगे बताया गया है, डाउनलोड करना है। ठीक है, शुल्क चालान, शुल्क चालान क्या है, ये रहा आपका शुल्क चालान, इसको बताऊंगा मैं कैसे भरना है आपको। ठीक है, और उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालना है। स्क्रूटनी के लिए आपको शुल्क मूल चालान पत्र उसके साथ सत्यापन हेतु संलग्न करके रजिस्टर्ड डाक से परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित तिथि 19 मई तक भेजना है। आपको मैंने इसीलिए क्षेत्रीय कार्यालय का डाटा दिखाया था इससे पहले। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से देख लेना, एक बार वेबसाइट को चेक कर लेना। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में इतना ही है। अब ये जहाँ फॉर्म, फॉर्म में है हमारा धनराशि जमा करने हैं तो चालान फॉर्म, देखो ऑनलाइन आवेदन करना है, फॉर्म को निकलवाना है, प्रिंट आउट निकलवाना है इसका, फॉर्म को भरना है, बैंक में जाकर के चालान जितने रुपए आपके होते हैं जितने सब्जेक्ट होते हैं और इसका प्रिंट आउट निकलवाना है जो आप यहाँ पे स्क्रूटनी के लिए कर रहे हो। ठीक है, इन दोनों का प्रिंट आउट आपको संलग्न करवाना है। यहाँ पे आपका ठप्पा मोहर लगेगा, ठीक है, बोर्ड का कार्यालय का। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, आप इंटरमीडिएट का स्क्रूटनी करना चाहते हो, कंपार्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है, या फिर हाई स्कूल का स्क्रूटनी करना चाहते हो। ठीक है, ये सब सेलेक्ट करना है। चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर, ये सब यहाँ पे आपको आपका जो भी धनराशि है वो लिखना रहेगा। जो नीचे वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना रहेगा कितने रुपए, ये तो आपका चालान का है, ये सब आपको पता होगा। टोटल यहाँ पे जो है जितने पैसे हो रहे हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, अब देखो इस फॉर्म को आप अच्छे से भरना। अगर आप चाहें तो इसके लिए अपने टीचर्स जो भी आपके शिक्षक हैं अपने स्कूल के वहाँ पे कॉलेज के, उनका आप जो है सहारा ले सकते हैं, उनके थ्रू आप हेल्प से, जैसे यहाँ पे देखो बैंक का नाम हो, शाखा का नाम, जिस बैंक में आप चालान जमा कर रहे हो, पैसा जमा कर रहे हो, चालान कटा रहे हो, उस बैंक का नाम और शाखा का नाम, IFSC कोड उस बैंक का, ठीक है, जिस व्यक्ति या फिर पद का नाम यदि आवश्यक हो, ठीक है, पंजीकरण संस्था पक्ष का नाम, ये सब जो है आपको जानकारी अपने शिक्षक के थ्रू देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उनका भी आप हेल्प ले सकते हो, और इस चालान को जो है आप अपने यहाँ पर दिया हुआ है जमाकर्ता विद्यालय द्वारा अपने जनपद कोड एवं विद्यालय कोड की 6 अंक की यूज़र आईडी अपने नाम के पूर्व अंकित करना अनिवार्य है। ठीक है, तो अपने कॉलेज में आप जाना, ये पूरा पहले आप ऑनलाइन करवा लो, उसके बाद ये चालान का जो है प्रिंटआउट लेकर के अपने कॉलेज में जाओ, वहाँ पर अपने शिक्षक से मिलो, अपने टीचर से मिलो कि मुझे ऐसा ऐसा इशू हुआ है और मुझे चालान जमा करवाना है और मुझे स्क्रूटनी कराना है। ठीक है, ये फॉर्म, ये लिंक मैं दे दूंगा आपको, डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आप व्हाट्सअप जो नंबर है वहाँ पे आप टीम के थ्रू ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंट है कि आप, आपका जो नंबर है वो कम है, आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, तो आप 100% आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड है। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई और डाउट है, स्क्रूटनी से संबंधित, चालान से संबंधित, या फिर नोटिफिकेशन से संबंधित,
जो लास्ट डेट है वो भी मैंने आपको बताया है 19 मई है, इसके बाद कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इससे संबंधित अगर आपको कुछ और जानकारी हमारे एंड से चैनल की मदद से दी जा सकती है तो आपके लिए ज़रूर से ज़रूर पहुँचाई जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको चालान फिल करना है या फिर स्क्रूटनी के लिए फिल करना है लेकिन उनको पता नहीं है प्रोसेस, तो ये देख लीजिए यहाँ पे लिंक है upmsp.edu.in। 10 का अलग से मैं दे दूंगा, 12वीं की जो छात्र हैं उनका अलग से लिंक दे दूंगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो, लिंक खोले जो है इस पर क्लिक करना है आपको, सब चीज़ मैं आपको दे दूंगा। देखो ये हाई स्कूल के लिए है, ये इंटरमीडिएट के लिए है, ठीक है। दोनों लिंक मैं आपको दे दूंगा। इंटरमीडिएट के लिए आपको क्या करना है, सेंटर कोड, और हाई स्कूल के लिए आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। इंटरमीडिएट के लिए रोल नंबर और सेंटर कोड ये डाल के डेटा गेट डेटा करोगे, ये पूरा आपको डेटा आ जाएगा, वहाँ पे आपको सेलेक्ट चूज करना रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।